शहर में हो रही घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की जांच को लेकर दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने अपनी टीम के साथ शहर के बैंकों का निरीक्षण किया, साथ ही सुरक्षा उपकरण सहित अन्य चीजों की जांच कर सावधानी रखने के निर्देश दिए। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज बद्दी नारायण मीणा के मार्गदर्शन में तथा पुलिस अधीक्षक दुर्ग डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देशन पर आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर दुर्ग जिला के समस्त निजी एवं सरकारी बैंकों का औचक निरीक्षण सोमवार को किया गया। इसमें दुर्ग पुलिस अधीक्षक के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर दुर्ग संजय कुमार ध्रुव, नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग अभिषेक झा, उप पुलिस अधीक्षक यातायात गुरजी सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं गंजपारा स्थित SBI शाखा में पहुंचकर शाखा का सुरक्षा ऑडिट किया गया, जहां पर सायरन, अलार्म सिस्टम, सिक्योरिटी गार्ड, CCTV सुरक्षा के बंदोबस्त को चेक कर बैंक मैनेजर एवं अन्य कर्मचारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। वहीं चेकिंग के दौरान जो भी खामियां मिली उसे जल्द दुरुस्त कराने के लिए कहा गया। बैंकों के साथ सभी ATM बूथ एवं गार्डों की भी चेकिंग की गई। गौरतलब है कि बैंकों के सामने होने वाली उठाईगिरी की वारदातों एवं असामाजिक तत्वों के द्वारा बैंकों को टारगेट करने के संबंध में लूटपाट एवं होने वाली घटनाओं को देखते हुए दुर्ग पुलिस के द्वारा समस्त थाना एवं चौकी साथ ही यातायात प्रभारियों के माध्यम से 300 से अधिक जवानों के द्वारा बैंकों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा ऑडिट किया गया। इस संबंध में दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड ACN न्यूज के समक्ष दी। आज दुर्ग जिले में जितने बैंक हैं शासकीय और प्राइवेट सभी में पुलिस द्वारा जो है चेकिंग कराई जा रही है। इसमें वहाँ के सायरन, अलार्म सिस्टम, सिक्योरिटी गार्ड, CCTV सुरक्षा के बंदोबस्त उसको चेक किया जा रहा है। क्योंकि लगातार बैंक के सामने उठाईगिरी की खबरें विभिन्न जिलों में आई हैं और बैंक को भी जो है असमय तत्वों द्वारा टारगेट किया जा सकता है, इसीलिए पुलिस द्वारा जो है चेकिंग की जा रही है। जो वहाँ पे गार्ड्स हैं उनको ब्रीफ किया जा रहा है, गार्ड्स की भी जिनकी नॉलेज में कमी पाई जाएगी उनको पुलिस लाइन में बुला के रिफ्रेशर टाइप की ट्रेनिंग कोर्स कराया जाएगा, जिससे कि बैंक और बैंक में आने वाले लोग अभी सुरक्षित रहें। बैंक की हर बैंक की सिक्योरिटी ऑडिट की जाएगी और जहाँ पर खामी पाई जाएगी वहाँ पर सुधार के लिखा जाएगा। बैंक के अभी SBI बैंक में हम आए थे, यहाँ की सुरक्षा बंदोबस्त काफ़ी अच्छी है और बैंक के अंदर CCTV सब चल रहे हैं, लेकिन बैंक के बाहर भी CCTV लगाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। जैसे कि सरकारी ग्रैंड ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीब फारूकी की रिपोर्ट।